20 साल का हिसाब है दानिया, जब तक ये क्लियर नहीं होगा ये गिले और शिकवे नहीं खत्म होंगे। दानिया भी ओए, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस वैसे ही अजीब सा फील हो रहा है। परेशान नहीं होते, हम आए ना साथ में। हाँ हाँ, तो चलो मैं साहब के कपड़े इस्तरी करके आती हूँ, फिर बात के बातें करेंगे। डन, मैं वेट कर रही हूँ। चन्नो, अंदर आओ। वो मैं सोच रही थी कि मैं ये शेल्फ्स गंदे हो रहे हैं तो मैं ये साफ कर देती हूँ, थोड़ा किताबें वगैरह। वो तो मैंने सुबह साफ करवाए। अच्छा, इधर आके बैठो। वो क्या बात? पता नहीं, मुझे ये बात आपसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं गलत हूँ और मैंने कुछ गलत सुना हो। अमूमन ऐसी बातें जिन पे यकीन ना हो वो अंदर ही रखी जाती हैं। तो मतलब मैं आपको उतनी बात बता दूं जिस बात पे मुझे पूरा यकीन है और जो मैंने क्लियर सुना है? बोलो। देखें, आप ये बात तो जानते हैं ना कि दानिया बीवी मेरी छोटी बहनों की तरह है। मुझे मालूम। और रोहान साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे इंसान है वो। अच्छा फिर? तो बताना आपको ये था कि ये दोनों आपस में शादी नहीं करना चाहते और उन्होंने ये मंगनी सिर्फ आपकी खातिर की है। ये तो मुझे मालूम है। लेकिन आपको ये बात नहीं पता कि उनका शादी का इरादा नहीं था और उन्होंने ये फैसला किया था कि जब आप ठीक हो जाएंगे तो वो ये मंगनी तोड़ देंगे। तुम्हें कैसे पता? इस दिन रोहान भाई आए थे तो मैं उनको चाय देने गई थी गार्डन में, जब वो दोनों ये बात कर रहे थे। तारीख तय करने से पहले एक बार दानिया बीबी से जरूर बात कर लीजिएगा, वरना ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए। मंगनी के फंक्शन में तो बहुत खुश नजर आ रहे थे, अब मुझे ठीक हुए इतने दिन हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ तो इसीलिए तो कह रही हूँ साहब कि इससे पहले कि कुछ गलत हो आप कुछ कर लें। और मंगनी पे तो वो दोनों सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे।